वाई पीपल से की हमें कैनेडा नहीं रहना डोंट कम टू कैनेडा सो ये सारी चीजें वो बोलते हैं वो कैनेडा लाइक एनी अदर कंट्री इसमें भी कौन से राइट प्रोजेन्ड कौन हर चीज के होते हैं सो so, कैनेडा में भी ऐसे कॉन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर यू मेक एनी डिसीजन ऑफ मूविंग अब्रॉड स्टडिंग अब्रॉड यू नीड टू नो दिस बिफोर यू प्लान एनी कई वन माई नेम इज सैंडी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कैनेडा सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट स्टार्ट द वीडियो पहला प्रो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं यार तो बहुत एक जनरक सी टर्म हो जाती है हमें पता नहीं लगता यार कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या राइट क्वालिटी ऑफ लाइफ में सबसे पहले आ जाता है कैनेडा में क्राइम रेट कैनेडा एक बहुत ही पीसफुल सी कंट्री है जिसमें कि क्राइम रेट बहुत ही कम है uh, मतलब कंपेयर करें डिफरेंट कंट्रीज से इवन यूएस और यूके से भी क्राइम रेट यहाँ पे बहुत कम है तो क्राइम रेट का एक पर्सपेक्टिव हो गया क्वालिटी ऑफ लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है सो नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ जाता है आपका क्वालिटी हेल्थ केयर और एजुकेशन यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं अप टल हाई स्कूल किड्स हैं उनकी एजुकेशन फ्री होती है पब्लिक स्कूल्स में और यहाँ पे हेल्थ केयर है वो भी फ्री है बट एवरी थिंग इज नॉट फ्री वो भी हम बात करेंगे बट हेल्थ केयर इज स्टिलड गुड इन कैनेडा राइट द नेक्स्ट थिंग दैट कॉन्ट्रीब्यूट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जहाँ की सारे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है कैनेडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है कम्पेयर टू अदर कंट्रीज एंड इट इज नॉट इंक्रीजिंग लाइक एनी अदर कंट्री राइट बट द नेक्स्ट इज कौन क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग में जैसे कि हम बात करें कैनेडा में एवरी थिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव रियल इस्टेट लास्ट टू ईयर्स में इतना ज्यादा हाई हो गया है लाइक फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट जो हाउसिंग है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड देन ग्रोसरी प्राइजेस आर ऑल्सो गोइंग अप सो एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाई डे जो मिनिमम वेज है वो इंक्रीज हुई है बट वो इतनी इंक्रीज नहीं हुई कि आप उसको उस लेवल पे अफोर्ड कर पाए मतलब इतना ज़्यादा इजी नहीं है सर्वाइवल करना इट्स नॉट मी मैं ये नहीं कह रही हूँ ये है एज पर सर्वे बट मैं भी ये कहूंगी ये बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है मैं आई थी Canada 2017 में में और 17 से से 21 तक, 22 तक 22 सालों में, मतलब like in लेके ग्रोसरी से लेके हाउसिंग तक एवरी थिंग राइट सो एक सर्वे के अकॉर्डिंगली ट्वेंटी लोग हैं वो कैनेडा में वो ये मानते हैं कि मिनिमम वेज इज नो इनफ

टॉप पे रखते हैं क्योंकि यहाँ पे उसके बाद इमिग्रेशन भी इजी हो जाता है हो जाती है और सेटल भी इजीली हो जाते हैं आप सो कनाडा में बहुत सी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तो हैं ही आपके पास वेल फंडेड ऑप्शंस भी हैं जिसमें आपको फंडिंग भी मिल जाती है जैसे कि पी और स्कॉलरशिप एंड एवरीथिंग बट द चाइल्ड केयर द नेक्स्ट कॉन इज चाइल्ड केयर इज एक्सपेंसिव इवन दो योर चाइल्ड कैन यू नो गेट द एजुकेशन फॉर फ्री और हैव गुड ऑप्शन फॉर द एजुकेशन चाइल्ड केयर इज रियली एक्सपेंसिव सो so, जो चाइल्ड केयर है जैसे कि डे केयर होता है वो बहुत एक्सपेंसिव है कनाडा में इंडिया में जो तो पेरेंट्स होते हैं वो संभाल लेते हैं राइट right? या फिर आप कोई मेड रख लेते हैं वो संभाल लेते हैं लेकिन यहाँ पे आपको डे केयर पे भेजना पड़ता है अपने बेबी को एंड देन इट इज रियली एक्सपेंसिव जो फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो काम कर रही है इसकी तरफ इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है बजट में और इलेक्शन में कि इसको अफोर्डेबल किया जाए लेकिन अभी तक इसके ऊपर कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल वर्क नहीं किया गया अभी भी एक्सपेंसिव ही है और किसी किसी प्रोविंस में तो बहुत एक्सपेंसिव है सो इट इज़ ऑल्सो अ कॉन ऑफ़ कैनेडा द नेक्स्ट प्रो इज़ फ्रेंडली पीपल ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक कंट्री शिफ्ट कर रहे हैं ना तो आपको इनिशियली आप कंफर्टेबल फील करते हैं जब आपको वहाँ पे जो लोग अच्छे लगते हैं कनाडा के जो लोग हैं ना बहुत फ्रेंडली होते हैं जब भी आप बाहर जाएंगे आप चाहे जानते भी नहीं हो उनको वॉक कर रहे हैं दे विल स्माइल राइट अगर इंडिया में कोई ऐसे स्माइल कर दे तो शायद उसको मार ही पड़ जाए लड़के को <laughs> या लड़के को कोई भी है ना तो वो गलत समझते हैं इंडिया में बट यहाँ पे ऐसा नहीं है यू विल वॉक ऑन द स्ट्रीट एंड सम स्ट्रेंजर कैन जनरली पास अ स्माइल तो आप आ, तो आप भी उनको स्माइल पास करते हैं दे ग्रीट ईचर अदर सो यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली हैं और ये बहुत आपको हेल्प करता है इनिशियली कंफर्टेबल होने के लिए सो रेसिज्म वगैरह ये इतना कॉमन नहीं है और इनफैक्ट ही है यहाँ पे तो वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करती हैं जब आप प्लान करते हैं कि कनाडा इमिग्रेट होना है राइट सो so, ये है प्रो बट कौन क्या है कौन है फ्रॉस्टी वेदर सब लोगों का यही रहता है कि यार कैनेडा में बहुत ठंड होती है राइट ठंड होती है यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट आपको प्रिपेयर होके आना है यहाँ पे ऑब्वियसली ठंड बहुत होती है लेकिन इक्विप्ड है एवरीथिंग इज इक्विप्ड जैसे कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं देन बस में हीटेड सिस्टम होता है अगर आप जॉब कर रहे हैं देन वहाँ पे भी हीटेड है घर पे है देन घर इज ऑल्सो हीटेड तो बहुत हीटेड सिस्टम होता है लेकिन अगेन फ्रॉस्टी वेदर अगर आप बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते ना देन कैनडा इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू द रीजन बींग अगर आपको ट्रैवल भी करना है तो आधा घंटा तो गाड़ी साफ करने में लग जाता है स्नो रिमूव करोगे आप अपने घर के बाहर स्नो शवल करोगे तो ये सारी एक्टिविटीज तो एडअप हो ही जाते हैं तो बहुत स्नो यहाँ पे पड़ती है आ, किसी किसी प्रोविंस में ज्यादा पड़ती है किसी में कम लेकिन जनरली ऑल ओवर द कैनेडा आपको फ्रॉस्टी वेदर से तो जूझना पड़ेगा ही तो ये एक काइंड ऑफ कॉन है जो डिपेंड करता है कि आपके लिए कितना मैटर करता है कितना नहीं मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता uh, थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ता है ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ये वाली चीज़ हो जाती है द नेक्स्ट थिंग इज हेल्थ केयर हेल्थ केयर इज़ अ प्रो प्रो है क्योंकि uh, कैनेडा में पब्लिक फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम है आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है फ्री नॉट एवरी इज फ्री हर प्रोविंस का अपना हेल्थ केयर सिस्टम है आपको हेल्थ कार्ड मिल जाता है और प्रोविंस की तरफ से जो भी हेल्थ कार्ड में कवर होता है वो सारी सर्विसेज मिलती है लेकिन सब कुछ फ्री नहीं है हेल्थ कार्ड में अब बात करते हैं कौन की कौन इज़ हेल्थ केयर यस आई नो अभी मैंने प्रो बोला था हेल्थ केयर अभी मैं बोल रही हूँ कौन है हेल्थ केयर क्योंकि हेल्थ केयर कैनेडा का एक दो धारी तलवार बोलते हैं ना हम डबल एज स्वॉर्ड है क्योंकि हेल्थ केयर ऐसा है, है सिस्टम यहाँ पे uh, जैसे कि मान लीजिए आपको सर्जरी करानी है तो सर्जरी में इट मे टेक अप टू मंथ्स बारी नहीं आती अगर आपको कोई एमरजेंसी हो गई है जैसे सरकारी हॉस्पिटल होते हैं ना तो ये भी सरकारी हॉस्पिटल्स ही हैं यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ही नहीं सो सरकारी में यहाँ पे ये यह हो जाता है पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम है अगर आपको कोई एमरजेंसी हो गई आप एमरजेंसी रूम में गए हैं दे मे टेल यू टू वेट फॉर सेवन टू एट आवर्स क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स ही नहीं हैं इतने बहुत कम डॉक्टर्स हैं इसीलिए तो भर भर के इमिग्रेशन चाहिए सो so, ये एक फैक्टर है जो कि हेल्थ केयर का बहुत ही बुरा है यहाँ पे एमरजेंसी के टाइम पे बहुत घंटों की वेट करनी पड़ती है सर्जरी के टाइम पे बहुत महीनों की वेट करनी पड़ती है और यहाँ पे जैसे होता है फैमिली डॉक्टर आपको असाइन होते हैं तो वो भी बहुत टाइम बहुत बार नहीं मिलते हैं फैमिली डॉक्टर आपको अलग अलग जगह जाके देखना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है यहाँ पे सो so, ये चीज़ें हैं हेल्थ केयर की आई वॉन्ट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू दिस इज वाई आई एम शेयरिंग इट कि आप अपना डिसीजन उस हिसाब से लें uh, uh, आपको पूरा क्लियर पिक्चर पता हो दोनों चीजें कि प्रो भी है हेल्थ केयर और कौन भी है राइट बट यही है कि एक फिर आपको ना एक वेल well मेंटेन सा डिसीजन लेना है कि यार ये ये चीजें मेरे लिए मैटर करती हैं इनके बिना मैं चला लूंगा क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट जैसे बोलते हैं ना तो कहना भी एक परफेक्ट तो नहीं है बट अगेन स्टिल बेटर इफ़ यू थिंक अबाउट अदर ऑप्शन दैट वी हैव डिस्कस द प्रोज राइट सो मेरे लिए वो सारी चीजें मैटर करती हैं और इसीलिए आई चोज टू इमिग्रेट टू कैनेडा राइट नेक्स्ट प्रो इज ग्रेट इन्वायरमेंट कैनेडा का अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करोगे तो आपको टोरेंटो में और ऑटवा में अगर मैं अभी चेक करूँ तो यहाँ पे जनरली रहता है टू थ्री एयर क्वालिटी इंडेक्स और यही अगर आप डेली में चेक करते हैं वहां पर थ्री हंड्रेड क्रॉस होता है राइट right? तो पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी क्लीन एयर आपको मिली So, बहुत अच्छा है। अगर आप एडवेंचरस uh, हैं तो यहाँ पे माउंटेन्स, वॉटरफॉल्स लेक्स बहुत ज्यादा यहाँ पे तो एक्टिविटीज करने के लिए बहुत कुछ है नाइग्राफॉल यहाँ पे है सबको पता ही होगा सो so, एनवायरनमेंट के परस्पेक्टिव से इस रियली ग्रेट तो आई होप मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं Why people say कि हमें Canada नहीं रहना don't come to Canada. So ये सारी चीजें वो बोलते हैं वो cons की बात कर रहे होते हैं बट प्रोज भी हैं राइट सो आपको अपना डिसीजन सोच समझ के लेना है कि भाई मेरे लिए ये वाली चीजें ज्यादा जरूरी हैं ये वाली चीजें जो है हम चला लेंगे है ना एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे राइट आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना नहीं पसंद आई तो भी कमेंट करके बता देना कि क्या इम्प्रूव करें और आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन Take care, bye bye.